महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन दिन से आपको ये बताया गया कि अपने स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप है, उसको समझिए, जानिए। अगर आप इस बात को पहचानते हैं कि मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूं, तो एक बात निकल करके आती है, दूरी या भेद विचारों का होता है, उसी से परायापन और अपनापन जगता है, उसी के कारण आदमी किसी चीज में लिप्त और तन्मय पाया जाता है, उसी के कारण लगाव या बिगड़ा हुआ मोह या सुधरा हुआ आत्मकल्याण निकल करके आता है। आज जो मैं विषय लेकर के चलना चाहता हूं, वो ये लेकर के चलना चाहता हूं कि अपने उद्देश्य को ऊंचा करिए, अपने उद्देश्य को ऊंचा करिए। आप विराट परमात्मा के पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटी हैं। अपने आप को होना स्वीकार करिए। जानते हैं, चींटी का पेट चींटी के जितना बड़ा और हाथी का पेट हाथी के जितना बड़ा होता है, पर जितना बड़ा होता है उतनी खुराक भी चाहिए और काम करने के लिए उतना काम भी चाहिए। हाथी को उतना काम चाहिए जिसमें वो बोझ ना मरे और आसानी से अपने काम को पूरा कर ले। पर कहते हैं, हाथी की काठी अगर गधे के ऊपर रख दी जाए तो गधा बोझ मर जाएगा, नहीं ढो पाएगा उसको। इसलिए औकात के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसको काम भी चाहिए। उद्देश्य की बात कह रहा हूं, ऊंचे उद्देश्य की बात कह रहा हूं। अगर उद्देश्य को ऊंचा बनाना है तो प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए। जिंदगी का ध्रुव तारा है प्रार्थना, जिंदगी का ध्रुव तारा है प्रार्थना। कल एक संत का प्रवचन मैं सुन रहा था, उसने कहा, सांप मरा हुआ आपने नहीं देखा होगा, मारा हुआ देखा होगा। वो कहता है, सांप आपने मरा हुआ नहीं देखा होगा, मारा हुआ देखा होगा। वो कहता है, जब सांप बूढ़ा हो जाता है और उसकी इच्छा होती है कि मुझे अब जीना नहीं है। बात को ध्यान से समझना। वो कहता है, मुझे जीना नहीं है, अर्थात मुझे इस शरीर की अब आवश्यकता नहीं है। तो उसके विचार में ये बात इतने गहरे तक उतर जाती है कि मुझे शरीर छोड़ देना है। संकल्प, दृढ़ संकल्प उसके अंदर जगता है।
और वो किसी एकांत ऐसे स्थान को ढूंढता है जो उसके शरीर के लिए उपयुक्त हो, उसके शरीर के छोड़ देने के बाद शरीर के लिए उपयुक्त हो, उसके लिए नहीं। और बताते हैं सांप को शरीर छोड़ने में 14 दिन लगते हैं, 14 दिन, 14 दिन तक वो लगातार तपस्या करता है शरीर को छोड़ने की। और 14 दिन तक क्या करता है, भूखा और प्यासा रहता है, अर्थात शरीर को भोजन नहीं देता है, शरीर छूट जाता है। आप इसी तरह से मन को भोजन मत दीजिए, मन छूट जाएगा। जैसे शरीर को छोड़ने के लिए एक सीमा 14 दिन उसने बताया, 14 दिन उसको लगते हैं, परंतु दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ लगते हैं। उस संत का ये कहना था कि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिकल करके देखा, सांप को मैंने खिलाना, दूध पिलाना, उनकी मतलब जो चीज उसको बेहद पसंद थी वो चीज ला करके दी। जहां पर वो मरना चाहता था वहां से उठा लिया उसको, दूसरी जगह ला करके वो पसंदीदा चीजें दी, परंतु उसने नहीं खाई, छोड़ दिया तो फिर वहीं दौड़ करके चला गया जहां उसको अपना शरीर छोड़ना था। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर थी। यानी कि हम इंसान होकर के कितनी पतित स्थिति में हैं, जहां हमारा शरीर हमारी किसी आवश्यकता की, संसार की आवश्यकता नहीं कह रहा, हमारी अपनी निज की आवश्यकता को ही पूरा करने में समर्थ नहीं है, फिर भी हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। उस संत का कहना है सब कुछ यथावत बना रहता है। गुरुदेव ने भी इस बात को कहा है कि सब कुछ यथावत बना रहता है, कहीं एक रंच मात्र परिवर्तन नहीं आता। जीव का और उसके कर्म का सीधा सच्चा संबंध रहता है, कर्म से जीव की अवस्था है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता, इंद्रियों के वशीभूत होकर के उसमें लिप्त होकर के व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, जीवन को जीता है। मैं ये कहता हूं अगर जीवन की सफाई करनी है, शुद्धि करनी है मन की, तो शरीर की सफाई के लिए जितना पानी जरूरी है उतनी ही जरूरी साबुन भी है, और जितनी जरूरी साबुन है उतना ही जरूरी पानी भी है। पानी पानी का काम करता है और साबुन साबुन का काम करता है। इसी तरह से मन की, अगर आपको ऊंचा उठना है, उद्देश्य को ऊंचा उठाना है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक राजा हुए हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, परंतु पत्नी दो कर ली थी, दो पत्नी कर ली थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि जितनी सुंदर थी विचार से उतनी ही दूषित थी, सुनीति जितनी कुरूप थी
परंतु विचार से उतनी ही पवित्र थी। सुनीति का लड़का ही ध्रुव था, ध्रुव जो कौन से, जो प्रहलाद के पोता था, प्रहलाद का पोता था। अब आप सोच करके देखिए, ध्रुव 5 साल का कितने ऊंचे उद्देश्य को लेकर के, कितना ऊंचा उद्देश्य, घटना घटी, घटनाएं घटी, अपने आप ला करके उसको किस परिस्थितियों में खड़ा कर दिया। हुआ क्या था कि सुरुचि और राजा उत्तानपाद बैठे थे, तो वो लड़का ध्रुव अपने बाप की गोद में जाकर के बैठ गया, बाप की गोद में जाकर के बैठ गया तो मां को, विमाता को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। उसने झिड़की दे करके उसको बाप की गोद में से हाथ पकड़ करके, खींच करके, उतार करके भगा दिया। सुरुचि का लड़का उत्तम था, उत्तम, उसको लेकर के वहां गोद में बैठा दिया। बच्चा ध्रुव रोने लगा, रोता हुआ मां के पास गया। मां ने बड़ा प्यार करके लाड के साथ उससे पूछा, बेटा तुझे क्या बात है, क्या दिक्कत है? जानते हैं, मां ने उसको प्रेरणा दी कि एक बाप ऐसा भी है जिसकी गोद में बैठ करके फिर कभी उतरना नहीं पड़ता है। नारद जी प्रकट हुए, 5 साल के बच्चे के सामने नारद जी प्रकट हुए, बच्चे को प्रेरित कर दिया और प्रेरित होकर के बच्चा घर छोड़ करके जैसा नारद ने बताया उन्हीं के अनुसार वन में चला गया। सर्दी गर्मी बरसात सब उसके शरीर पर से गुजरने लगे, कंदमूल फल खा करके वो अपना गुजारा करने लगा, परंतु प्रभु स्मरण में जाकर के खो गया। उधर राजा को पता लगा कि बेटा नहीं है घर में, राजमहल में नहीं है, तो पिता ने, राजा ने अपनी पूरी सेना लगा दी, ढूंढो कहां गया है, नहीं मिला। नारद जी राजा के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहने बताया कि पुत्र कहीं नहीं गया है, जो उपवन है उपवन के अंदर बैठ करके वो अपनी तपस्या कर रहा है, तपस्या में इतना लीन था, दृढ़ था। आज भी जानते हैं आकाश में एक ही तारा ऐसा है जो कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता, एक जगह पर टिका रहता है। हम लोग भी उसका उदाहरण आज देते हैं। हमारा संकल्प ध्रुव संकल्प हो, ध्रुव संकल्प, वो अपने दृढ़ दत्त चित होकर के दृढ़ संकल्प के साथ अपनी भक्ति में लीन था। राजा वहां पहुंचा, परंतु वो इतना तल्लीन था कि उसको कुछ पता नहीं। अंततः राजा को लौट करके अपने राज्य में आना पड़ा। बच्चे की तपस्या पूर्ण हुई, उसने पूर्णता को प्राप्त किया। आगे तो ये कहानी है, मैं तो केवल एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, जिंदगी के उद्देश्य को ऊंचा करिए। क्या नहीं है जिसको आप नहीं जानते,
क्या अच्छा है क्या बुरा है आप जिसको नहीं जानते हो बताइए, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को सदैव पहचानिए। इसलिए सदैव आत्मभाव में निहित रहिए, आत्मभाव में निहित रहिए, अपने में तल्लीन रहिए, अपने में से शरीर की भावना को हटा करके आत्मभावना को स्थापित करिए। ये भावना जब गहराई में उतरने लगेगी तो आत्म गौरव के अनुसार ही विचार और कार्य करने की इच्छा आपके अंदर पैदा होने लग जाएगी। जब कोई व्यक्ति ऊंचे उद्देश्य पर पहुंचता है तो वो अपनी स्थिति के अनुरूप बाह्य रूपरेखा को बनाता है। आज भी आप देखते होंगे गांव से लगा करके शहर तक व्यक्ति का अपने रहन सहन का अपना एक स्तर होता है। आदमी उसको मेंटेन करता है, जैसा ठाट बाट होता है वो उसकी इच्छा से होता है। आदमी अपनी पोजीशन को उसी से समझता है और अपनी इज्जत को भी समझता है, शान सदा ध्यान में रखता है, अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही कोठी बंगला मोटर कार जो कुछ भी नौकर चाकर जो कुछ भी है सब उसी की तरह से अपनी व्यवस्था को बनाता है। पंडित लोग अपनी फैशन की पोशाक पहनते हैं तो साधु संप्रदाय के लोग अपने संप्रदाय के अनुसार ज्यादा से ज्यादा अति विशिष्ट दिखाने के लिए उसी तरह की पोशाक को धारण करते हैं। ये तो संप्रदाय की बात है, जो जैसे समाज में रहने लग गया वो उसी समाज में अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। साधु सोचता है रंगीन कपड़े जितने चमकदार होंगे, मृगछाला होगी, चिमटा होगा, कमंडल होगा, उनको धारण करेगा तो समाज पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, एक खास तरह की विचारधारा, एक खास तरह का विश्वास हर कोई अपने अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है। सीसी में जिस वस्तु का इत्र रख दिया जाता है बाहर उसी तरह की खुशबू फैलती है। गंध से इत्र का अटूट संबंध है। बड़े आदमी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार बाह्य रूपरेखा उसी तरह की बनाते हैं और आत्मज्ञानी भी आत्मगौरव के अनुरूप अपने जीवन की विचारधारा उन्हीं कार्यों को ग्रहण करने में लगाते हैं। लाखों लाखों रुपए का कारोबार करने वाला सेठ अपने बड़े से बड़े व्यापारों के संबंध में बड़ी बड़ी बातें सोचता है और वैसे ही कार्य करता है, अपने व्यापार को बड़ा बनाने के लिए उसी तरह से फैलता चला जाता है। दूसरी तरफ एक भिक्षुक जो पाई पाई खट्टी मांग करके भीख मांग करके करता है, अपने पेट को भरने के लिए उसी की चिंता में डूबा रहता है। लखपति सेठ वैसी भली बुरी अवस्था में क्यों ना हो, पाई मांगने वाले भिक्षुक जैसे विचारों को अपने मन में कभी भी स्थान नहीं देगा, पाई मांगने का स्थान नहीं देगा।
इसी प्रकार आत्मज्ञानी मनुष्य तुच्छ छोटे कमीने गंदे विचारों को मन में नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। वो जब भी सोचेगा उच्च स्थिति के बारे में सोचेगा, जब भी सोचेगा तो अपनी ऊंची अवस्था के बारे में सोचेगा, उसी के अनुरूप विचार करेगा। वैसे ही सिद्धांत और विश्वास स्थिर करेगा, किसी भी छोटे बड़े प्रश्न का विचार करेगा तो उच्च दृष्टिकोण में से ही करेगा। क्योंकि उसके लिए बड़ा अफसर सड़क पर दाने बीनता देखा हो, कोई बड़ा अफसर हो और बिखरे हुए दाने सड़क पर बीनता आपने देखा हो, तो वो खुद ही इस बात को सोचेगा कि दानों को बीन रहा है तो तू भिखारी है। वो कभी भी उस काम को नहीं करेगा, क्योंकि समाज की अवस्था में वो अफसर है, वो अपनी स्थिति के अनुसार ही अपने काम को करेगा। एक छोटे काम की इच्छा उसे स्वप्न में भी नहीं दिखाई देगी। सोचो, देखो जो बात बोली जा रही है, वो सपना भी देखेगा तो उसी स्तर का देखेगा जिस स्तर का वो है। इसी प्रकार कोई आत्मज्ञानी हो ना, कूड़ा करकट तो उसमें से निकल गया, घृणित कमीने ओछे पतित कार्यों के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, ना उसमें दिलचस्पी लेगा। आप अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा करिए। मैंने अभी कहा था, शुरू में कहा था कि ये ध्रुव सत्य है, हर चीज की पूर्ति उपासना के द्वारा होती है। विचार की पूर्ति, मन की पूर्ति, भावना की पूर्ति, श्रद्धा की पूर्ति विचार के द्वारा होती है। मैंने सांप का उदाहरण दिया, जो 14 दिन में अपने शरीर को छोड़ देता है, जिससे सब लोग, सब जीव अनन्य लगाव करते हैं, तो क्या आप अपनी कमियों को नहीं छोड़ सकते? दिक्कत किस बात की है? हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की आवश्यकताएं, वही मेरे लिए सब कुछ बन गई हैं। इंद्रियों के माध्यम से शरीर का संचालन हो रहा है और उसी संचालन के कारण हमारा एक दायरा, कुआ के मेंढक की तरह से हमारा एक दायरा बन करके रह गया है। उसको बाहर का दिखाई नहीं देता, मेंढक को बाहर का नहीं दिखाई देता, इसलिए उसके बारे में सोचता ही नहीं, उतना ही सोचता जितना उसको दिखता है। सबकी अपनी एक दुनिया है, सबकी अपनी एक दुनिया है, अपने अपने विचार के पोषण से सबने अपनी दुनिया को पाल पोष करके रखा है। पोषना जो शब्द है वो विचार से होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, तुच्छ कमीने गंदे विचार को मन में आने नहीं देना है। उच्च स्थिति प्राप्त करने के अनुसार उसी के अनुरूप विचार करेंगे। वैसे ही सिद्धांत और विश्वास पर स्थिर होंगे, किसी भी स्थिति में छोटे बड़े प्रश्न पर विचार करेंगे, उच्च दृष्टिकोण से ही करेंगे। उसके लिए यही उचित है कि उपयुक्त और स्वाभाविक कोई बड़ा
काम हम कर पाएं। आप अपने जीवन का दृष्टिकोण ऊंचा बना लीजिए। आत्म चेतना में जागृत हुए व्यक्ति के लिए यही उचित है कि वो जब छोटी बड़ी बातों के ऊपर आध्यात्मिक प्रकाश को डालता है, हर छोटी बड़ी समस्या को ऊंची विचारधारा के अनुसार हल करता है, जब अपनी विचारधारा इस प्रकार की बना लेता है तो कार्य भी उसी स्तर के, उसी संबंध में उसी स्तर के ऊंचे होने लग जाते हैं। एक आदमी अपनी गृहस्थी का पालन करने के लिए दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है, जो कमाता है उसे घर गृहस्थी के लिए खर्च कर देता है, परंतु उसकी भावनाएं ओछी हैं, स्त्री को वो अपने योग्य सामग्री समझता है, लड़के को एक व्यापार का साधन समझता है, जिसके ऊपर वक्त जो कुछ खर्च करता है वो बाद में ब्याज समेत वसूल करने की बात को सोचता है, लड़कियों को वो एक ईश्वरीय कोप या पुराने पापों का फल समझता है जो अपने कर्ज को वसूल करने के लिए उसके जीवन में प्रकट हुई हैं। विधवा बहन को वो कामकाज करने वाली दासी के रूप में समझता है, मन में ऐसी ओछी भावनाएं रख करके कुटुंब का पालन करता है। अब एक दूसरे आदमी का उदाहरण लीजिए, वो अपनी गृहस्थी को ईश्वर का सुरम्य वाटिका समझता है और अपने को उसका विनम्र माली समझता है। कर्तव्य पालन ईश्वरीय आज्ञा की दृष्टि से अपने आप को उसका कार्य पालक मान करके उसी दृष्टि से अपनी मेहनत मजूरी करता है और जो कुछ पाता है खुशी खुशी से उसे उस घर के प्राणियों के अंदर खपा देता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर किसी के घर में रिश्वत की कमाई, ब्याज की कमाई या किराएदारी की कमाई, अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है, जिसमें अपनी मेहनत मजदूरी पसीना बनकर के ना लगी हो, जिसमें अपनी मेहनत मजदूरी ना लगी हो, सोच करके देखिए, वो जैसा उसके पास आता है वो उस आए हुए के महत्व को नहीं समझता है। और ना समझ पाने के कारण उसको ऐसे ही उजाड़ता हुआ चला जाता है। अब मैं पूछ रहा हूं, इंसान का जीवन ईश्वर ने हमको दिया है, ये शरीर दिया है, परंतु कभी हम कीड़ा रहे होंगे, कभी हम पक्षी रहे होंगे, कभी हम जल में रहने वाले जीव रहे होंगे, कभी हम बिलों में रहने वाले जीव रहे होंगे, कभी हम पशु बने होंगे, कितनी कठिनाइयों को हमने झेला होगा। उसके बाद हमें ये इंसान का चोला भगवान ने दिया है, इतने कष्टों को उठाने के बाद हम इस स्तर पर पहुंचे हैं। जरा अपने बारे में विचार करके देखिए, अपने बारे में विचार करके देखिए। जब आप अपने बारे में विचार करेंगे तो शायद आपको ये पता लगेगा, कितने लाखों शरीरों को मैं
पा चुका हूं और छोड़ चुका हूं, पा चुका हूं और छोड़ चुका हूं, यह भी मुझे एक दिन छोड़ना है, यह सबको पता है, यह भी मुझको एक दिन छोड़ना है। दोबारा से बोल रहा हूं, सांप का उदाहरण मैंने दिया। सांप को अंदर से लगता है कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए, तो वो छोड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। पर इंसान की योनि तो ऐसी है, 84 लाख योनियों के जिन दुखों को हमने भोगा है, अब उन कष्टों को दुखों को हमको छोड़ना है। यहां फिर से कह रहा हूं, मैंने ही कहा था इस दुनिया में सत्य ज्यादा असत्य कम, बुराई कम और अच्छाई ज्यादा, पुण्य ज्यादा और पाप कम, धर्म ज्यादा अधर्म कम। अच्छाई से बनी है परंतु ऐसी बनी है कि बुराई को ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो ही नहीं सकती, नीति है, नियम है, प्रकृति का सिद्धांत है, वो बर्दाश्त नहीं करती। तो उसके विपरीत प्रभाव प्रतिक्रिया के रूप में उसके सामने ला करके खड़ा कर देती है। समय के अनुसार व्यक्ति मार खाता रहता है, समय के अनुसार व्यक्ति मार खाता रहता है, पर समय की चाल को समझ नहीं पाता। कुएं के मेंढक की तरह से जो उसकी स्थिति है, जिस गंदगी में वो पड़ा है, उसी में लिप्त रहता है। सोचो, विचार करो अपनी स्थिति पर। मुझे तो जो लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, व्यक्तिगत बात कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? इंसान का जन्म शरीर का जन्म नहीं है। सिद्धांत के अनुसार पशु योनि से छूटते ही व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, इस बात को समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब ये जन्म मेरा किस लिए हुआ है? जैसे मैं पिछली योनियों में शरीर धारण करते करते शरीर के भाव को छोड़ चुका, ऐसे ही इंसान की योनि को धारण करते हुए रखते हुए इंसान के शरीर में रहते हुए मुझे अपने मानसिक बंधनों को काटना है, छोड़ना है। जो मानसिक बंधन है, वैचारिक बंधन है, उनसे मुक्त होना है। अगर उनसे मुक्त होना है तो मुझे उस बंधन को, जो मेरी श्रद्धा के साथ, मेरे साथ, मेरी चेतना के साथ, ध्रुव के साथ जैसे जुड़े थे, बताइए हम में से कौन बंधन में नहीं है? मन पर इच्छा का बंधन, इच्छा पर विचार का बंधन, विचार पर कर्म का बंधन। मुक्त अवस्था जीव चाहता है। मैं उन्मुक्त रहूं, इस गगन में विचरण करूं, इतने संपूर्ण विराट के अंदर जाकर के विलय हो जाऊं। आत्म तत्व में विलय हो करके परमात्म तत्व में जाकर के विलय हो जाऊं। कौन नहीं चाहता? जो नहीं चाहता वो इंसान ही नहीं है, वो अभी पशु योनि में है। इंसान का शरीर है परंतु मन, विचार, इच्छा पशुता की है।
मैंने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया, जो कमा करके अपने परिवार को बोझ नहीं समझता है, एक बोझ समझता है, एक बोझ नहीं समझता, एक की सोच कुछ है, एक की सोच कुछ है, परंतु जिसके जीवन में त्याग है, समर्पण है, उसकी स्थिति को देखिए। ये तो संसार है, यहां सब आए हैं और सब गए हैं, जो पिछले हैं वो आज तक रुके नहीं है, चले गए हैं। एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा जाने का, और हमें भी जाना होगा। तो जीते जी क्यों ना छोड़ा जाए सांप की तरह से, जीते जी सांप की तरह से क्यों ना छोड़ा जाए, क्यों काम क्रोध लोभ मोह लिप्सा इनमें जाकर के लिप्त हुआ जाए और अपने जीवन को बर्बाद किया जाए। समझदारी की बात कहो, किसमें हमारी समझदारी है और किसमें समझदारी नहीं। सोचो, कहने के लिए सब चीज आसान है, परंतु ध्रुव जैसा आपका अगर संकल्प नहीं होगा तो आसान नहीं है। प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। आप एक साधक हैं, मेरी दृष्टि में समाज से आपका स्तर ऊंचा है, आत्म सम्मान के लिए, लोक कल्याण की भावना को आपको अपनाना होगा, वरना इस संसार का एक सिद्धांत और भी है, दुनिया के घर उजाड़िए और अपना घर बसा लीजिए। ईश्वर का सिद्धांत बिल्कुल उल्टा है, अपने घर को उजाड़िए, दुनिया को बसा दीजिए। भाई घर तो उजड़ता ही है, आप ज्यादा सुख देंगे तो आपकी संतान उजाड़ देगी, कुल खराब हो जाएगा। आप अपने आप को उजाड़ देंगे, अपने आप को उजाड़ देंगे, आपका कुल बसेगा और समाज बसेगा। फिर से दोबारा से कह रहा हूं, अगर कोई भी सत्पुरुष इस दुनिया में हुआ है तो उसने किसी के घर को उजाड़ा नहीं है, बसाया है। किसी के कुल को, किसी के घर को उजाड़ा नहीं है, बसाया है। भाई मैं तो अपनत्व के साथ कह रहा हूं, शायद आपको पता नहीं कैसा अटपटा लगे, मैं अपने शब्दों को ज्यादा व्यक्त नहीं करना चाहता। आपकी अंतरात्मा जानती होगी, आपका मन जानता होगा, जो बोल रहा हूं उसमें आपके साथ मेरा अपना लगाव कितना है, उतना ही मेरा समर्पण है। जितना मेरा लगाव आपके साथ है उतना ही मेरा समर्पण है, आपका है नहीं है मैं इस बात से कोई मतलब नहीं रखता। सोच की बात कह रहा हूं, सोच की बात कह रहा हूं, अपनी सोच को बना लीजिए। संबंध से सोच ऊंची होती है,
व्यक्ति अपने जैसे संबंधों को बनाता है वस्तुतः वैसी ही उसकी सोच बनती जाती है। माँ बाप अपने आप को मिटा करके अपने बच्चों का निर्माण करते हैं, योगी जन भी अपने जन्म के जन्म को मिटा करके तब समाज का निर्माण करते हैं, भक्ति करते हैं और अपना उद्धार करते हैं। अरे कोई लक्ष्य तो बनाओ, कोई उद्देश्य तो बनाओ। भगवान ने चलने के लिए दो पैर दिए हैं, पर जब मंजिल लंबी हो जाती है तो आदमी को साइकिल भी दी है। साइकिल से काम ना चलता हो तो टू व्हीलर दिया है, यात्रा ज्यादा लंबी हो तो फोर व्हीलर भी दिया है, और लंबी यात्रा हो तो रेलगाड़ी दी है, जल्दी पहुंचना हो तो हवाई जहाज दिया है। आवश्यकता के अनुसार साधन बदलते रहते हैं, पर उद्देश्य मंजिल पर पहुंचना होता है। पैदल चलते हैं तो कोई खर्चा नहीं है, साइकिल पर चलते हैं तो साइकिल तो खरीदनी पड़ती है, उसका मेंटेनेंस तो करना पड़ता है। टू व्हीलर पर चलते हैं तो पेट्रोल और मेंटेनेंस भी खर्च होता है, फिर उससे आगे के सब पर खर्चा बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति खर्चे के बोझ में दबता जा रहा है, इसलिए लोभ और तृष्णा को पैदा करके अपने शान बान ठाट वैभव सबको कायम करना चाहता है। अधिक कमाने का उद्देश्य यही है कि मेरे ठाट बाट में कोई कमी ना आए, पर मैंने कहा है जो इस ठाट बाट को करता है अपने परिवार के आगे को उजाड़ देता है, परंतु जो अपने आप को उजाड़ता है वो परिवार कुटुंब समाज सबको बसाता है। आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी स्थिति क्या है, अपने बारे में जानिए और सोचिए। मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि अपनी स्थिति को उद्देश्य को ऊंचा कर लीजिए। उद्देश्य को ऊंचा करेंगे तो स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। सोच समझ करके काम करिए। संकल्पित हुईए मुझको सहयोग की जरूरत है, क्या आपको मेरे सहयोग की जरूरत नहीं है? क्या आप अपने 2400 घंटे अपने लोभ मोह काम क्रोध की इच्छा की पूर्ति करने में लगे रहेंगे, या कोई ऊंचा लक्ष्य लेकर के भी चलेंगे? जिस लक्ष्य को लेकर के चलेंगे मंजिल जरूर मिलेगी। हरेक की अपनी सामर्थ होती है, हरेक का अपना दायरा होता है, हरेक की अपनी सोच होती है। अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने आपे से सब काम को आदमी करता है, किसी किराए पर नहीं करता है, परायपन से नहीं होता है, अपनेपन से होता है। विषय को और आगे कल समझाएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। कल आगे बढ़ाएंगे। हाँ, नरेश लिख रहा है सहयोग की बात, काम नहीं चलता इसके बगैर, अकेला चना भाड़ नहीं बोड़ता। कल समझाऊंगा इसके बारे में, काम नहीं चलेगा ना आपका ना मेरा, काम नहीं चलेगा। सहयोग के बगैर काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कल इसको अच्छे से समझाऊंगा। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।